नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आज बात करेंगे हरियाणा में कांग्रेस के सिर फुटोवल पर। अलग अलग गुट एक तरह से लड़ रहे हैं आपस में, विपक्षी पार्टियों से कम और खुद में ज़्यादा उलझे हुए दिखाई देते हैं। हरियाणा कांग्रेस को लेकर के अगर हम बात करें तो तमाम गुट जो हैं वो खुद को अपना अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। एक तरफ जहाँ सारी विपक्षी पार्टियाँ पूरे जोर शोर के साथ 2019 के चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, वहीं हरियाणा कांग्रेस जो है वो आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो खुद को आगामी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अशोक तंवर, वो भी खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। तीसरा जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं रणदीप सुरजेवाला, वो भी अपने आप को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहे हैं। चौथा जो है कांग्रेस विधायक दल की नेता जो हैं किरण चौधरी, वो भी खुद को मुख्यमंत्री के रूप में दिखा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि हर आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर रहा है जनता के सामने, जबकि कांग्रेस को इस वक्त लड़ाई एकजुट होकर लड़नी चाहिए थी, लेकिन हर नेता अपने आप को पार्टी आलाकमान की नज़रों में आगे दिखाना चाहता है। इसी को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है जन क्रांति रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अशोक तंवर जो हैं वो साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन नेताओं कांग्रेस दिग्गजों के बीच जो सिर्फ फुटोवल चल रही है, या एक खींचातानी चल रही है, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश चल रही है, इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। लेकिन यहाँ हम एक रूप में ये कह सकते हैं कि कांग्रेस आलाकमान की ये रणनीति है कि हर क्षेत्र में हर नेता अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें। यही रणनीति, इसी रणनीति के तहत ये खींचातानी जो है वो चल रही है। अन्यथा पार्टी आलाकमान के लिए इनकी खींचातानी को ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जो सिर्फ फुटोवल चल रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ चल रही है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे ये माना जा रहा है कि हर इलाके में, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरे प्रदेश में कई सेगमेंट में जो है अच्छा प्रभाव है, और सही मायने में देखा जाए तो रोहतक, सोनीपत, जींद और झज्जर ज़िलों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, और वो अपने बलबूते पर कई सीटें निकाल सकते हैं। इसी तरह से अशोक तंवर को कांग्रेस भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए कि जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जाट वर्ग जो है वो आता है, वहीं उनको चाहिए कि दलित वर्ग जो है वो कांग्रेस के साथ आए, और इसके लिए उन्होंने जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर को आगे किया हुआ है। इसी प्रकार भिवानी क्षेत्र में जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी का जो है वो प्रभाव है, और उनको भी उस इलाके में, भिवानी और महेंद्रगढ़ के इलाके में, एक भावी मुख्यमंत्री की तरह से पेश किया जा रहा है। वो खुद को पेश कर रही है और कह रही हैं कि भिवानी के विकास के लिए यहाँ चौधर लाना ज़रूरी है। इसी प्रकार जो है वो कैथल के क्षेत्र में जो है कैथल ज़िले को अपने साथ लगाने के लिए जो है रणदीप सुरजेवाला जो हैं वो खुद को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। अब अलग अलग सेगमेंट में इस तरह से अलग अलग व्यक्ति को भावी मुख्यमंत्री के रूप में तरजीह दे करके, बढ़ावा दे करके कांग्रेस ये दिखाना, हर सेगमेंट को अपने साथ जोड़ना चाहती है। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में, 2014 के विधानसभा चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग नेताओं को जो है वो तरजीह दी थी, और इस तरह से प्रोजेक्ट किया था कि भावी मुख्यमंत्री ये होंगे, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो अगले मुख्यमंत्री ये होंगे। लेकिन अंत में जो है वो मनोहर लाल जी को सामने लाया गया। इसी प्रकार कांग्रेस भी जो है ठीक 2014 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को भावी मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया था, वही खेल इस बार कांग्रेस खेलना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में लड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है कि अलग अलग क्षेत्र में
अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग नेता को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट करके वो आगे बढ़ सकती है। और ये सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है और इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कांग्रेस की गुटबाजी जो है उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत साबित हो सकती है। आज बस इतना ही। नमस्कार।